वेलकम फ्रेंड्स टू माय यूट्यूब चैनल मिस्टर हैकर, और आपके सामने एक रखी है बोतल जो कि अपने आप ही अलग हो गई। तो ये दोस्तों मैंने बेसिकली करी थी अलग, ये हवा चल रही ज़्यादा तेज इसलिए आपको लगा ऐसा। तो ये दोनों पीस हमारे किसी काम के नहीं है, हमारा काम कहाँ है ये मेन पीस। तो आप कहेंगे भाई ये कहाँ से आया, कुछ लोगों को समझ में नहीं आया, तो बता दूं कि ये बोतल का आगे वाला पार्ट था, आप किसी भी बोतल का ले सकते हैं, उससे आपको कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ठीक है, ये हिस्सा ले लिया, आज हम इससे क्या बनाएंगे, होली आने वाली यार। तो देख लो सामने क्या रखा है, तो ये गुलाल रखा है, और आप थोड़ा बहुत सोचिए हम बनाएंगे आज गुलाल कैनन। जी हाँ दोस्तों, गुलाल कैनन बनाएंगे हम आज, इससे करेंगे जैसे आप पिक्चरों में देखते हैं, कलर बहुत ही अच्छी तरीके से हवा में बिखरता है, और कई बार हम कोशिश करते हैं तो एक ही जगह सिमट कर गिर जाता है, नीचे बेकार हो जाता है, तो उसी से के लिए बिल्कुल पिक्चर वाली फीलिंग लाएंगे आज। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बैलून ले लेना है, जिसका आपने आगे वाला हिस्सा काट लेना है थोड़ा सा, और ये पीछे वाला हिस्सा आपको क्या करना है, ढक्कन खोलना है और इसमें अटैच करना है दोस्तों, कुछ इस तरीके से। आपको इसमें अटैच कर लेना है, आप देख सकते हैं। तो इसमें फिर भरेंगे गुलाल और करेंगे मस्ती। तो चलिए दोस्तों, मैं इतने वीडियो को पॉज कर देता हूँ, उस पर मैं लगा लेता हूँ टेप वगैरह। तो दोस्तों मैंने इसके पीछे बैलून लगा लिया है इस टेप के साथ। तो अब क्या करना है, अब मज़े करते हैं, गुलाल के पैकेट को खोलेंगे, इसमें डालेंगे और गुलाल उड़ाएंगे। दोस्तों ये तो कोइंसिडेंस से मैच हो गया, रेड कलर का ही गुलाल है और रेड कलर का ही बैलून है। तो यहाँ से एक आपको एक और यूनिक आइडिया मिल जाता है कि आप अपने घर में काफ़ी सारे बनाकर रख सकते हैं, जिस कलर का आपके पास गुलाल है उस कलर के बैलून बनाकर। तो इसमें इसको फिल कर लेंगे, ज़्यादा फिल मत करना, पहले छोटे से ट्राई करते हैं। तो मैंने करीब ये एक ढक्कन गुलाल लिया है, और भैया इसको कर कर देखते हैं लॉन्च, अंदर तक चला गया, अब देखते हैं और करते हैं भैया इसको। तो इस बार इसमें ज़्यादा से लेंगे और इसको बिल्कुल गन की तरह छोड़ेंगे, जैसे गन एक पॉइंट पर जाती है गुलाल जाएगा दूर तक। बस इतना ही बहुत है। तो सामने आप देख सकते हैं, आपके सामने एक दीवार है, और इस दीवार पर मारता हूँ मैं इसको, ये देखिए दीवार पर गई थी, आप करीब से देख सकते हैं कि बिल्कुल चिपक गई है इस पर। तो एक और बार फिर से ट्राई करते हैं, आप इससे किसी के भी ऊपर कर कर मार सकते हैं। दोस्तों टेस्ट करते हैं गुलाल कैनन को, तो आप मान सकते हैं कि आपके सामने कुछ दुश्मन है, और ये तो चलिए इस बार दीवार पर फायर करके देखते हैं इसको, क्या दीवार पर भी तक डैमेज देगा जितना ज़मीन पर दिख रहा है। तो आपके सामने एक दीवार है, और ये मेरा एनिमी है, दरअसल इसने मेरे से 100 रुपये लिए, उधार दिए नहीं वापस, तो मैं इसे बदला लेने के लिए गन लाया हूँ, और अब भूल जाने वाली है तो उसको गोली से मजा दूंगा। ये मजा दूंगा, ये तो चलिए मज़ा आ रहा है इसमें, एक और बार कर कर देखते हैं। दोस्तों इसने अब भी पिटने के बाद भी मेरे पैसे नहीं दिए वापस, तो इस बार मैं इसको फिर से गोली मारूंगा, जिससे कि डर कर मेरे पैसे वापस दे दे। तो चलिए एक और गोली मारते हैं, काफ़ी सारी गोली गई है, एक गोली के नाम पर मैंने उसको उल्लू बना दिया। तो चलिए पूछ के आते हैं उसने अभी पैसे दिए कि नहीं,
भैया इतनी गोली खाने के बाद भी वो नहीं माना, तब क्या करना है, ये फिर मारेंगे इस बार। चलिए इस बार उसको थोड़ा पास से मारेंगे, पता लग जाएगी उसको कि उसने किससे पंगा लिया है। उसने मिस्टर हैकर यूट्यूबर से पंगा लिया है, उसको इसका दाम चुकाना पड़ेगा। चलिए करते हैं इसको एक और बार फायर। तो पूछने चलते हैं, भाई पैसे दे रहे हैं क्या वापस? तो भैया उसने तो मेरे पैसे वापस दे दिए, अब आप होली के खूब मजे लीजिए। दोस्तों ये किसी को हार्म पहुंचाने के लिए नहीं है, ये सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए है। बच्चे इससे खेल सकते हैं, आप इसको चाहें तो बड़े उसके साथ भी बना सकते हैं, और मैं इसका पार्ट 2 जल्दी लेकर आऊँगा।